करंट पॉइंटर को बढ़ाते जाते हैं। बट पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें चेक करना होगा अगर यहाँ पे हमारा करंट है तो हमें, right? मतलब तो 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 हमें ट्रेड करना होगा so यही एक डिफरेंस है लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में ठीक है तो देखते इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है ये एक सॉर्टेड दे रखा है और सॉर्टेड का जो मिनिमम वैल्यू है ना वही हमारा हेड है यहाँ पे अभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया <coughs> क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू वही इन्होंने हेड में रिटर्न किया अगर आप लीडकोड सेवन एट एट देखोगे तो वहां पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो ये इंश्योर नहीं करता है कि आपका जो मिनिमम पॉइंटर है वही हेड होगा तो उसमें चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है तो ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन भी जरूर से ट्राई कर लेना एंड लेट्स तो ठीक है यार तो यहाँ पे तीन केसेस होंगे यार कि लेट्स से हमारे पास वन टू फोर है हमारे पास कोई ऐसा नोड आया जो कि हेड से भी छोटा था तो डेफिनेटली हम इसको हेड पे इंसर्ट करेंगे इंसर्ट एट हेड राइट सो वी नाउ द सेकेंड केस इज कि अगर लिंक uh, लिस्ट ही प्रेजेंट नहीं हो राइट right? नल हो सो इफ हेट इज न्यू नोड राइट ठीक है तो ये हमारी दूसरी और लट से ये हमारी पहली हो जाएगी इफ हैल रिटर्न द न्यू नोड एंड इकेंड अगर जो हमारा डेटा इंसर्ट करना है वो फर्स्ट नोड है नोट से भी छोटा है तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट नोट like, पे इंसर्ट करना है कराइट थर्ड केस देख लेते हैं अगर ये दोनों में केस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऐसा नोड है जो बीच में कहीं लाई करता है लिखना right? तो था वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्व टू हेड राइट हम यहां से शुरू करेंगे और जब तक खुद खुद अपने हेड पे ना तब तक तो तो हम करना शुरू करेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे जो करंट डेटा है <coughs> वो हमारे गिवन uh, डेटा से छोटा है यानी राइट right? और बेटर इंसर्ट करने में हमने एक प्री पी टी आर भी मेनटेन करना होता था राइट right? कि अगर uh, हमारा फाइव uh, जो छोटा है राइट right? तो हमारा करंट यहाँ पहुँच जाएगा हमारा प्री पी टी आर यहाँ पहुँच जाएगा ठीक है फिर अगर फोर अगेन छोटा है तो करंट आगे बढ़ जाएगा और प्री पी टी आर भी आगे बढ़ जाएगा राइट नाउ माई करेंट डेटा इज नॉट लेस देन माई गिवन डेटा डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है फाइव को इस प्री पी और करंट के बीच में यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट स्टेप एस प्री पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट राइट बट यहाँ पे फिर जो हमें एक और केसेस हैंडल करना पड़ेगा है, अगर आप प्री पी का लॉजिक लेके चलोगे तो क्योंकि जो लास्ट में जो नोड आएंगे राइट और जो लास्ट में जो नोड आएंगे वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा तो दैट इज वाई हम ये अप्रोच नहीं लेते हैं और हम डायरेक्ट अपने करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा से कंपेयर कर देते हैं राइट सो आई एम इज दैट यू हैव वन फोर सेवन एंड नाइन

ंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड न्यू नोड एंड न्यू नोड नहीं न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट सबसे पहला ये करना होगा फिर दूसरा ये करना होगा राइट right? आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते अगर आपने कर दिया करंट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड तो फिर आप ये रेफरेंस खो दोगे राइट दैट इज वाई ठीक है एक बार कोड कोड देख लेते हैं इसका कोड वॉक्स फिर समझ लेते हैं ठीक है तो इसका कोड है मैं एक एक केस समझा देता हूँ सो इफ लिस्ट इज एम्प्टी डेफिनेटली वी वॉट वी आर डूइंग

और आप बोलोगे कि करंट डॉट नेक्स्ट करंट डॉट मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट डॉट नेक्स्ट टू न्यू नोड न्यू नोड नेक्स्ट राइट the वी if स्टेटमेंट uh, फिर लास्ट में क्या इंसर्ट एट दी सिलेक्टेड और अप्रोप्रियट पोजिशन तो वही हमने यहाँ पे प्री पीटीआर का लॉजिक लिखोगे एक केस में फंस जाओगे इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस

Uh, that when we have to insert at head or when we have to insert at particular positions, O of two and ignoring the constant would be O of N. And what is the space? Space would be definitely we're not using any extra space, so it would be O of 1. Since the N has the constraint 10 power 5, that is why O of N solution got submitted. a have got O of N square mein hota, Let's say so n square up 10 power 10, deyeta, or 10 power it's a and we would have got an TLE. That was just an additional information regarding the constraint. You should keep in mind while you are solving the question in OA or uh, the question in like this on any coding platform.